हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कल यूजीसी का शेड्यूल जारी हुआ है कॉलेज शिक्षा को लेकर, कि कॉलेजों में 1 नवंबर से आपकी क्लासें लगेंगी। 1 नवंबर से ऑफलाइन आप कॉलेज में जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 1 नवंबर से आपकी क्लासें लगना शुरू हो जाएंगी। तो उस जो गाइडलाइन आई है, वो जो शेड्यूल जारी हुआ है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात बोली गई है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब वो क्या पॉइंट है, और काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन भी होते हैं उस पॉइंट के रिगार्डिंग। तो आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस पॉइंट में वो मेंशन भी है, उसको थोड़ा बदलाव किया गया है उस पॉइंट में। पॉइंट ये है कि भाई, अगर आपका एक कॉलेज में आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया एक कॉलेज से, और आपने दूसरी कॉलेज से भी एडमिशन फॉर्म भरा है, लेकिन आपने एक कॉलेज के अंदर एडमिशन फीस जमा करा दी है और आपको एडमिशन लेना है दूसरी कॉलेज में, तो क्या जिस कॉलेज में आपने फीस जमा कराई है उसकी फीस रिफंड होगी? पहले क्या होता था, जो फीस है वो पूरी रिफंड नहीं होती थी, कुछ पेनल्टी के रूप में काटते थे, कुछ परसेंट आपके डिटेक्शन होता था, फिर जाके आपको फीस मिलती थी। कंप्लीट फीस वापस नहीं मिलती थी, कुछ काटी जाती थी। लेकिन अब कोरोना काल की वजह से ये बदलाव किया गया है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया दो कॉलेज से या दोनों यूनिवर्सिटियों से, जैसे कि आपने RU या DU से फॉर्म लगा दिया, किसी स्टूडेंट्स ने RU से भी लगाया है, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फॉर्म लगाया है, और काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेरे से, वीडियो के अंदर भी पूछते हैं आप कि सर मैंने दो कॉलेज से फॉर्म लगा दिया है, दो यूनिवर्सिटियों से फॉर्म लगा दिया है, और सर मैंने एक में फीस जमा करा दी, तो क्या मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना तो फीस रिफंड होगी? यस, इस बार ये महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि जो फीस है वो आपकी पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। यानी अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और अगर आपने फीस जमा करा दी और आपका एडमिशन DU में या अदर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर हो गया है, BHU ले लो, MDSU ले लो, किसी के अंदर भी आपका एडमिशन हो गया है, तो अगर आपको RU से फीस चाहिए तो अब फीस आपकी वापस मिल जाएगी, कंप्लीट जितनी आपने जनरेट की है, डिपॉजिट की है। ये बहुत बड़ा जो है बदलाव किया गया है। कल ही जो UGC के जो चेयरमैन है निशंक द्वारा, उन्होंने ये महत्वपूर्ण पॉइंट को मेंशन किया है आपके शेड्यूल के अंदर, गाइडलाइन के अंदर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी जो है बच्चे कमेंट करते हैं, सर क्या मेरी फीस रिफंड होगी? यस, इस बार आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। तो ये बहुत खुशी की खबर है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको भरोसा नहीं होता कि भाई मेरा DU में हो जाएगा क्या, और उनका RU से फॉर्म लगा देते हैं, BHU से लगाते हैं, तो इंडिया की टॉप जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, बट आपको पढ़ना तो एक ही कॉलेज में है, तो अगर आपका एक कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो आप अगर आपने कहीं और फीस जमा करा दी तो वहाँ से आपकी फ़ीस जो है रिफंड हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की न्यूज़ है आप सभी के लिए। कोरोना काल में जो आर्थिक तंगी है, ये जो इकोनॉमी लेवल बिल्कुल कम हुआ है, इसकी वजह से रमेश पोखरियाल निशंक जो UGC के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है आप सभी स्टूडेंटों के हितों में, और आपके लिए बहुत बढ़िया बेनिफिशियल ये फैसला होने वाला है। तो जिन स्टूडेंटों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, मतलब फीस जमा करा दी है, और जिन्होंने मन मना लिया है कि भाई मेरे को तो RU से ही करना है कोर्सेज, चाहे वो BSc हो, BA हो, किसी भी संगठक कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हो, चाहे वो महाराजा कॉलेज हो, महारानी हो, वैसे तो अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि ओनली अभी 3 जो हैं कट ऑफ लिस्ट निकली हैं अभी। वैसे महारानी कॉलेज की 3rd कट ऑफ लिस्ट आना बाकी है, अभी महारानी कॉलेज की 3rd कट ऑफ लिस्ट आउट नहीं हुई है। अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जैसे कि काफ़ी संगठक कॉलेज हैं, उनमें अगर आपने फॉर्म लगाया है, आपका यहाँ पर नंबर नहीं आया, कहीं पर आ गया है, या फिर यहाँ पर आ गया और आपने फीस जमा करा दी, तो आपको मिल जाएगी, आपको फीस मिल जाएगी, आप दूसरी जगह दूसरी कॉलेज में फीस जमा करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है UGC द्वारा, जो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, ऐसी एजुकेशन से जुड़ी हुई अपडेट जानने के लिए धन्यवाद।